प्यारे बच्चों, 8th क्लास मैथ चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन 4। सीमा बॉट अ बॉक्स ऑफ बिस्कुट्स फॉर 904 रुपीज, विच इंक्लूड सेल टैक्स 13%। जरा ध्यान से रकम पढ़नी चाहिए। इसमें 13% टैक्स इंक्लूड है, इसके बीच में ही है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ बिस्कुट बॉक्स विदाउट सेल टैक्स? तो बिस्कुट बॉक्स का बिना सेल टैक्स हमने प्राइस, कितने का था बिस्कुटों का बॉक्स वो पहले निकालते हैं। लो कॉस्ट ऑफ बॉक्स ऑफ बिस्कुट्स इंक्लूडिंग सेल टैक्स है वो 904 रुपये है। रेट ऑफ सेल टैक्स है 13%। जहाँ एक्स अमाउंट के करना पड़ता है ये क्वेश्चन, ये इजी वे से हम कर रहे हैं। लेट द प्राइस ऑफ बिस्कुट बॉक्स विदाउट सेल टैक्स वो एक्स मान लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। जो सेल टैक्स था वो तो इस पर आना, मैंने किया क्या है, जहां रफ बता दूं आपको, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं। ये है सेल टैक्स, ये तो सेल टैक्स निकल जाएगा हमारा, प्लस द कॉस्ट ऑफ बिस्कुट्स। ये कॉस्ट टैक्स मानी ना हमने, ये कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ बॉक्स मैंने रफ लिख दिया। इक्वल टू टोटल कितना है, इंक्लूडेड ए टोटल कॉस्ट ऑफ बॉक्स मैंने रफ लिख दिया। जी ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये सेल टैक्स निकलेगा हमारे पास 13% ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का कितना था 13%, प्लस कॉस्ट ऑफ बॉक्स मैंने ऐड कर दी, तो टोटल अमाउंट ही बनेगी। फिर टोटल हमें दी हुई है वो है 904। तो अब इजी हो गया, 13/100 ऑफ का मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 904। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, एक्स कॉमन निकाल लो, 13/100 प्लस एक्स कॉमन निकाला तो एक आ गया। जैसे मर्जी कर लो, अलग अलग तरीके होते हैं। अब इसका लो एलसीएम, 100 13 प्लस 100 904, ये आ गया एक्स इंटू 100 जमा 13 113, 113 109 104। अब एक्स की वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 904 × 100/113। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, 8 आएगा, 113 13 8 8 पे 8 2 24 8 2 10 8 9, तो ये आ गए 100 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 800 रुपये आ गया। तो प्राइस ऑफ बिस्कुट बॉक्स विदाउट सेल टैक्स कितनी आ गई, 800 रुपीज। ये है अल्जेब्रिक मेथड, इजी मेथड। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज एट शॉप 440 सी, सेल टैक्स हैगा 5%, बिल अमाउंट निकाल दीजिए। तो इजी है, सीधा इसका 5% करके ऐड कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज 440, सेल टैक्स 5%, यूनिट जरूर लिखना आपने, एक्चुअल सेल टैक्स निकाल लेते, 5% ऑफ 440 कर दो, 5/100 × 440, लो काट लो, 0 से 0 5 2 10 2 1 2 2 2 42, तो 22 रुपये टैक्स आ गया हमारा। तो बिल अमाउंट टैक्स बीच में जमा कर देते हैं, 440 + 22 ये आ गया रुपीज 462, ये बिल अमाउंट बनेगी।